बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए सीएम योगी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के लिए प्रदेशवासियों का अभिनंदन किया है। की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। इस दौरान सीएम योगी के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि जनता ने विकास के मुद्दे पर वोटिंग की है। प्रदेश की जनता ने सरकार की नीतियों पर एक बार फिर अपना भरोसा जताया है, साथ ही सरकार के कामकाज से वो खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय, हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी की दो विधानसभाओं 96 और 100 पर हुए उपचुनाव में सहयोगी पार्टी अपना दल को मिली जीत के लिए भी मतदाताओं को बधाई दी। उत्तर प्रदेश में दो विधानसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। 96 जो विधानसभा थी, वह हमारे सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक श्री राहुल प्रकाश के दिवंगत होने के कारण खाली हुई थी। इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल एस ने यहां पर समाजवादी पार्टी को परास्त करके सीट जीती है। और दूसरी सीट स्वार रामपुर जनपद की है, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य की अयोग्यता के कारण यह सीट खाली हुई थी। गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल एस के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से यह सीट भी जीत करके दोनों उपचुनाव में भी वहां पर झंडा गाड़ने का काम किया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी नगर निकाय चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खाते में गया है। योगी की अगुवाई में जहां बीजेपी की बम्बम है, वहीं विपक्ष बेदम नजर आया। अब सवाल ये है कि क्या निकाय चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए विपक्ष 2024 के लिए अपनी रणनीति बदलेगा। जी न्यूज स्टेट। और चलिए, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। हार्दिक आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी शुभकामनाएं हमें संबल प्रदान करती है। तो प्रचंड जीत के बाद ये ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ लिखा है वो भी बता रहे हैं आपको। हार्दिक आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी शुभकामनाएं हमें संबल प्रदान करती है। यह प्रचंड विजय आपके यशस्वी मार्गदर्शन और भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियों की ही सुफल और आपके नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार प्रदेशवासियों की सेवा, सुरक्षा व समृद्धि हेतु अनवरत कार्य करती रहेगी। और कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी प्रमिला पांडे दोबारा मेयर पद पर काबिज हुए हैं। प्रमिला ने करीब 2.25 लाख मतों के अंतर से एसपी प्रत्याशी वंदना वाजपेयी को शिकस्त दी है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर में इस बार फिर से रिवॉल्वर दादी का जलवा काम कर गया। बीजेपी ने जिन तीन मेयर पर दोबारा भरोसा जताया था, उसमें से कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे भी हैं। और प्रमिला बीजेपी के भरोसे पर खरी भी उतरी हैं। प्रमिला ने अपनी जीत के लिए कार्यकर्ताओं और मोदी को धन्यवाद दिया। मैं तो ये श्रेय पूरी अपने पार्टी को देती हूँ और मोदी जी योगी जी को देती हूँ, अपने शहर की जनता को। पहली बार से ज्यादा वोट पा करके जीत दर्ज की है, जबकि बहुत से लोग कह रहे थे इस बार तो अगर मतलब जीती तो जीती वरना हार तय है और जीती तो मार्जिन बहुत कम था। क्या मैं तो जनता की अदालत में गई, जनता ने सबका मुंह बंद किया, जनता ने बताया।
ब्राह्मण और बनिया वोटर बाहुल्य कानपुर नगर निगम में 20 साल से बीजेपी का ही दबदबा कायम है। प्रमिला पांडे 1,77,846 वोटों से जीती हैं। प्रमिला को कुल 4,40,343 वोट मिले हैं। उन्होंने एसपी की वंदना वाजपेयी को हराया है। प्रमिला ने अपनी जीत को कुछ इस तरह अलग बताया। पूछते हो भाई, इसी बार पहली बार तो दो बार महिला हुई, पहले पिछली महिला फिर महिला। सरला सिंह को रिपीट किया था तो सरला सिंह उसमें लड़ी थी ना, सामान में लड़ी थी, तो हमारी तो महिला थी। और मैं पूरे विश्व की बात करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहाँ महिलाओं का सम्मान। कानपुर शहर में रिवाल्वर खोज कर चलने वाली प्रमिला पांडे ने लगातार दूसरी बार महापौर का चुनाव जीता है और कानपुर में सभी पार्टियों के नेता पारिवारिक सदस्य की तरह इनका सम्मान करते हैं। तो अम्मा जी के नाम से जानी जाने वाली महापौर प्रमिला पांडे का साफ तौर पर कहना यह है कि वो जनता के लिए काम करेंगी और जनता के हित में काम करेंगी। जनता ने उन्हें जिताने का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीत पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और अयोध्या नगर निगम में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी महंत गिरीश त्रिपाठी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एसपी के आशीष पांडे दीपू से 35,625 मतों से हराया है। और राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में यह पहला चुनाव है और जीत के बाद अयोध्या में गुलाल उड़ रहे हैं और जश्न का माहौल है। देखिए तस्वीर। 2023 के निकाय चुनाव में भी बीजेपी अयोध्या नगर निगम की सीट को अपने पास बचाए रखने में कामयाब हो गई। 13वें राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के उम्मीदवार महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने एसपी उम्मीदवार आशीष पांडे को 35,625 मतों से पराजित कर दिया। अयोध्या में एसपी और बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण कार्ड खेला गया था, जिसमें गिरीश पति त्रिपाठी को 77,456 वोट मिले, जबकि एसपी उम्मीदवार आशीष पांडे को 41,831 वोट मिले। जय जय जनता को बहुत आभार। राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अयोध्या की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, विचार परिवार के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जब चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को अयोध्या में वोट पड़े थे तो 52% से अधिक वोटिंग हुई थी, जिससे उम्मीद हो चली थी कि इस बार भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। हालांकि महंत गिरीश पति त्रिपाठी को इस बार मौजूदा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट काटकर मौका दिया गया था, लेकिन ऋषिकेश के मुकाबले गिरीश पति ने ज्यादा वोट हासिल किए हैं। पूरा जीवन समर्पित है उनके लिए, उनकी सेवा करने का अवसर मिला है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और पूरे प्राण प्रण से उनकी सेवा करने का। आपको बता दें कि राम मंदिर के चलते अयोध्या पर बीजेपी की शुरुआत से पकड़ रही है और राम मंदिर के निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में ये पहला चुनाव था और राम मंदिर के चलते जिस तरह अयोध्या की काया पलट हो रही है उससे विपक्ष के लिए कोई स्थानीय मुद्दे ही नहीं बचे थे। लिहाजा इस बार अयोध्या में बीजेपी को जीत मिली है वो पहले के मुकाबले कहीं बड़ी है। टीम न्यूज स्टेट। और गाजियाबाद में मेयर पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के सुनीता दयाल ने बड़ी जीत हासिल की है। सुनीता दयाल ने एसपी प्रत्याशी को 1,00,000 से अधिक वोटों से हराया है। आपको ये भी बताते चले, 1995 में गाजियाबाद नगर निगम बना था, तब से लेकर आज तक बीजेपी का ही मेयर बना है। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद में मेयर पद पर बीजेपी की जीत का क्रम इस बार भी बरकरार है। बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दयाल ने बीएसपी प्रत्याशी निसारा खान को 2,87,656 वोटों से शिकस्त दी है। सुनीता दयाल का मानना है कि इस बार वोटर लिस्ट में कई नाम नहीं थे, वरना जीत और भी बड़ी होती। देखिए, मेरी जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कमल के फूल की जीत है। कमल का फूल जीतता है, व्यक्ति का कुछ प्रभाव होता है, किंतु प्रदेश भर में योगी जी की गूंज है, उसका भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैंने छात्र जीवन से यहाँ संघर्ष किया है, कार्यकर्ताओं का बड़ा प्यार था, तो उन्हें उत्साह हुआ, एक कार्यकर्ता को टिकट हुआ, तो उस नाते आगे बढ़ गए। मेयर पद के प्रत्याशी के लिए जब बीजेपी में उनका चयन हुआ था तो सुनीता 34 उम्मीदवारों को पछाड़ कर चुनी गई थी और आज उन्होंने साबित कर दिया कि प्रत्याशी के लिए उनका चयन सही था।
सुनीता का मानना है कि मोदी और योगी की प्रेरणा से वो भी विकास के लिए काम करेंगी। गाजियाबाद में हमेशा तरक्की हुई है, जो भी मेयर रहा अच्छा काम किया है। गाजियाबाद 95 से लेकर अब तक बहुत बड़ा विकास किया है, किंतु गाजियाबाद में एक परिवर्तन जनता के बीच में रहना, सबसे बातचीत करके काम करना, कुछ काम बहुत अच्छे करना, कुछ ब्यूटिफिकेशन कुछ पॉइंट्स पे बहुत जबरदस्त आम जरूरतें पूरी होंगी, और मुझे लगता है कूड़ा का